न्यूज़। सुखबीर का कैप्टन पर हमला, बोले कोविड पर सरकार के 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने के दावे की हो जांच। कोरोना संक्रमण से पंजाब में 24 घंटे में 76 मरीजों की मौत, एक दिन में रिकॉर्ड 5,456 नए केस। पंजाब में 18 से 45 वर्ष तक के आयु वालों को मुफ्त होगा टीकाकरण। ऑक्सीजन की जमाखोरी व काला बाजारी रोकने के लिए टीम गठित, बिना मंजूरी इस्तेमाल करने वालों पर होगी कार्रवाई। मोहाली में स्वास्थ्य मंत्री का दावा, पंजाब में ऑक्सीजन की कमी नहीं, वैक्सीन डोज को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। आज के लिए बस इतना ही। पंजाब से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज।